अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रोशे क्राफ्ट्स पाकिस्तान। आज हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है जिसमें मैं ये एक मोटिफ है, ये फ्लावर बना हुआ है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये मिडल पार्ट और एक ये बैक पार्ट। ठीक है, हम इस ट्यूटोरियल में ये मिडल पार्ट सिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बने हुए हैं और बाद में इसको हम अटैच करेंगे इस फ्लावर के साथ, लेकिन इस ट्यूटोरियल में आपको सिर्फ ये मिडल पार्ट जो है ये सिखाऊंगी। वही सेम हुक और डबल स्ट्रैंड हम यूज़ कर रहे हैं मोटिफ्स के लिए। जितने भी मोटिफ बनाएंगे डबल स्ट्रैंड से ही बनाएंगे। इसकी मेकिंग भी ऑलमोस्ट जिस तरह से हम लोगों ने रिंग सर्कल बनाया था वैसा ही है। रिंग सर्कल में हमने इसको 12 टाइम रैप किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको रैप करेंगे 22 22 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20। ठीक है, हमें 22 22 टाइम्स इसको रैप कर लेना, और वही उसी मेथड से जिस तरह से हमने इस तरह से हुक इंसर्ट किया, और ये जो वर्किंग थ्रेड है इसको हमने किया पुल, और यहाँ पे इसको चेन वन करके कर दिया सिक्योर। ठीक है, ये रिंग हो गया सिक्योर। अब हमारे पास ये ज़रा सा मोटा रिंग है। अब सेम उसी तरह से इस रिंग में हम सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने सिंगल क्रोशे हम बना सकते हैं इस रिंग में हम बनाएंगे। इसके लिए कोई काउंटिंग नहीं है, कितने ही बनाने हैं। इसका मेथड थोड़ा सा आगे डिफरेंट होगा, वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले आपने ये सिंगल क्रोशे बना लेने हैं इस पूरे सर्कल में। ठीक है, इस तरह से। तो ये सिंगल क्रोशे बना के मैं आपको आगे गाइड करती हूँ। जी, ये मैंने सिंगल क्रोशे बना लिए हैं इस रिंग में। अच्छा, अब हमने इसको जो है रो को क्लोज़ नहीं करना। अब हम आगे से आगे इसी के ऊपर जो हमने सिंगल क्रोशे बनाए हैं इन्हीं के ऊपर अगेन सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। ठीक है, उसी के ऊपर। और हमने इस पे इतने सिंगल क्रोशे बनाने हैं कि हमारा ये जो मिडिल सर्कल है ये फिल हो जाए। ठीक है, सिंगल क्रोशे बनाते ही जाएंगे। और टेक्निकली वैसे ये राइट साइड होती है, बट इस रिंग में ये हमारी रॉन्ग साइड होगी और ये साइड जो है ये हमारी राइट साइड होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करते जाना है जब तक हमारा ये मिडल सर्कल, इसकी स्पेस जो है ये ख़त्म नहीं हो जाती, मिडल स्पेस। ठीक है, इसको हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ हाथों की मदद से इसको आपने इस तरह से शेप देते आना। ये हमारी रॉन्ग साइड है, मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके आपको आगे गाइड करती हूँ। ये देखें, मैं इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाती जा रही हूँ और ये मिडिल स्पेस जो है फिल होती जा रही है। ठीक है, इस तरह से हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, और जिस साइड पे हम कर रहे हैं ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड, ये हम साइड यूज़ करेंगे फ्लावर के लिए। ठीक है, इस तरह से आपने मिडल स्पेस को फिल करना है जितना आप इसको फिल कर सकें। ये देखिए, ऐसा ऐसा स्पेस कम होती जाएगी, बस सिंगल क्रोशे करते जाना है। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, ये देखें, ये मैंने सर्कल जो है फिल कर दिया। ठीक है, ये हमारी राइट साइड, इसको हम यूज़ करेंगे अपने फ्लावर के साथ। तो अब अच्छा, आपने इसकी टेल कट नहीं करनी। जब आपकी ये मिडल स्पेस फिल हो जाए तो आपने स्लिप स्टिच करके इसकी जो टेल है वो छोड़ देनी है, क्योंकि हम इसी टेल के थ्रू इसको अटैच करेंगे अपने फ्लावर के साथ। तो आपने इसकी लंबी टेल जो है ये छोड़ देनी है इस तरह से। ठीक है, और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा शेप देंगे इस तरह से, ताकि ये नीट लुक आपके सामने आए। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बनाएंगे फ्लावर, और इसको या मैंने जो सैम्पल पिक्चर उसमें मैंने ये दो फ्लावर्स अटैच किए हैं, एक राइट स्लीव और एक लेफ्ट स्लीव के लिए। अगर आपने ज़्यादा अटैच करने तो आप ज़्यादा फ्लावर बना लें, तो लेकिन दो फ्लावर हमने अटैच किए हैं स्लीव्स में, तो ये दो आपने बना लेने हैं मिडल पार्ट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको गाइड करूँगी ये फ्लावर किस तरह से बनाया। ठीक है, और देन हम इसको अटैच करेंगे अपने फ्लावर के साथ। ये टेल आपने जलानी नहीं है, सिक्योर नहीं करनी, हम इसी के थ्रू अपने फ्लावर पे इसको अटैच करेंगे इस तरह से। ठीक है, आई होप कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकी हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।